नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेगा स्पोरेंजियम अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटीग्रमेंट. मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हम जब भी मेल की बात करते हैं तो हम वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, और जब हम फीमेल की बात करेंगे दैट मीन्स इज अ मेगा स्पोरेंजियम. क्लियर? तो बेटा यहाँ पे क्या है हमारा कि मेगा स्पोरेंजियम अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड. मतलब कि मेगा स्पोरेंजियम में कौन सी है जो हमारी क्या करती है एज अ प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट्स के फॉर्म में एज अ है. ठीक है? तो ओवरी, तो ओवरी तो क्या करेगी, ओवरी है तो मतलब वो तो किसी मतलब कोई भी ऐसा पार्ट्स होगा जो एक एग को जनरेट करेगी. ठीक है? विच प्रोड्यूस अ एग और ओवम. क्लियर? और उसके बाद हमारा ओव्यूल, ओव्यूल हो जाएगा क्योंकि ओव्यूल हमारा क्या है उसका मेगा स्पोरेंजियम का पार्ट है. क्लियर? एंड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल ये भी पार्ट नहीं होगा. एंड चलाजल, फ्यूनिकल और चलाजल वाले आपने जो पार्ट पढ़े होंगे ये आपने किस में पढ़े हैं, फ्यूनिकल वाला आपने जो आपने इसमें एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा होगा उसमें देखा होगा, और चलाजल वाला जो आपने पोर्शन देखा होगा एम्ब्रियो सेक में देखा होगा. क्लियर? ये हो गया क्लियर. नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं 29. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज ओव्यूल. यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म प्लांट की ही बात करेंगे. तो एंजियोस्पर्मस ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेजेंटा, जो प्लेजेंटा से अटैच है बाय मीन्स टू स्टॉक कॉल्ड एग्स. मतलब जो प्लेजेंटा से अटैच्ड है उसको बोलते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स. इट्स कॉल्ड, मतलब उसको एग्स दे दिया. अब वो आपको बताना है एग्स वाला वो क्या नाम है उसका. ठीक है? बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द एग्स. अब जो बॉडी है वो फ्यूज हो रही है, दैट मीन्स अटैच्ड हो रही है टू द एग्स इन द रीजन, इन द रीजन कॉल्ड वाई. अब जो वो फ्यूज हो रही है वो वाई वाले रीजन से हो रही है, तो आइडेंटिफाई करना है आपको एक्स वाई. तो इसमें क्या करना है हमें, ये फ्यूनिकल हो गया एंड हाइलम. मतलब एक्स को आप फ्यूनिकल और हाइलम बोल सकते हो इसके बाद, या फिर हाइलम और फ्यूनिकल हो जाएगा. ठीक है? इसके बाद फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल हो जाएगा एंड हाइलम एंड चलाजल. इसमें मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा. ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ एज अ एनाट्रोपस ओव्यूल का. ठीक है? इस तरीके से ये कैनाट्रोपस एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें अभी आप यहाँ पे ये देख रहे हो. नीचे वाले रीजन में हमारे यहाँ पे क्या होती है, ये माइक्रोपाइल होती है. दिस वन इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. ठीक है? ये माइक्रोपाइल हो गई एंड दिस वन इज, यहाँ पे हमारी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इट्स कॉल्ड अ, ये हमारी फ्यूनिकल होती है जो कि हमारी क्या होती है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड फ्यूनिकल. ठीक है? दिस वन इज कॉल्ड फ्यूनिकल. ठीक है? एंड बेटा ये जो फ्यूनिकल होती है ये अटैच्ड होती है या फ्यूज होती है विद अ एक स्मॉल एक मतलब प्रोटेक्शन मतलब प्रोजेक्शंस होता है, इट्स कॉल्ड अ हाइलम. इसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं. ठीक है? ये हाइलम हो गया यहाँ पे एंड दिस वन इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल वाले रीजन से हमें पता है वहाँ से इंटीग्रमेंट अराइजेज होंगी. ठीक है? देन यहाँ पे जो अपर वाला पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, चलाजल. ये अभी हमारे सब पॉइंट्स आने वाले हैं यहाँ पे. तो अभी हमारा इसमें क्या है कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, तो अभी हमने पढ़ा ये फ्यूनिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, दैट मीन्स एक्स हमारा क्या हो गया, फ्यूनिकल. ये हो गया. उसके बाद जो हाइलम है वो अटैच्ड है. ठीक है? या बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद एक्स, एक्स के साथ क्या है वो फ्यूज्ड है, अटैच्ड है, उसको बोलते हैं हाइलम. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा 29 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे अभी जैसे मैंने अभी आपको बनाया एक एनाट्रोपस ओव्यूल, बस मैंने क्या किया था, मैंने इसको जो इसकी जो शेप दी थी मैंने इसको सपोज इस तरीके से बना दिया था. देखो, ठीक है, मैंने इस तरीके से बना दिया था. आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी बना दो, ऐसे करके, ऐसे करके भी बना दो. ठीक है? ये जैसे इसमें बन रहा है, अब यहाँ पे इस तरीके से हमारी बहुत सारी क्या हो जाएंगी, मैम्ब्रेन अराइजेस हो जाएंगी. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हमारा माइक्रोपाइल रीजन होगा वहीं से हमारी क्या होंगी, इंटीग्रमेंट अराइजेस होंगी. तो इसमें अभी हमें यहाँ पे यही देखना है कि जो हमारा ए है, ए क्या होगा, आपको इसमें एक पिक्चर्स दे रखी है. ये हमारी किसकी पिक्चर्स है, ये हमारी एक ओव्यूल की है जो कि हमारा एक एनाट्रोपस ओव्यूल है. क्लियर? तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी दे रखा है, इसमें आपको इस डायग्राम में लेबलिंग करनी है. कैसे करते हैं लेबलिंग, देखिए. अब ए, ए हमारा क्या है इसमें, चलाजल. ए हमारा चलाजल हो सकता है, नहीं. क्यों नहीं होगा चलाजल, मैंने अभी आपको बताया कि एनाट्रोपस ओव्यूल जो होगा वहाँ से बेटा आपकी माइक्रोपाइल वाले रीजन से इंटीग्रमेंट होंगी. तो यहाँ पे इस वाले पिक्चर्स में ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो आउटर मैम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे ये वाली जो इनर मैम्ब्रेन हो गई, ये क्या है, ये हमारी इंटीग्रमेंटेड्स हैं. ठीक है? मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो ये वाला, ये तो इसका आउटर वाला पार्ट हो गया, ये आउटर मैम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पे ये इसकी इंटीग्रमेंट इनर इंटीग्रमेंट हो गई. ठीक है? और यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये हो गया हमें एम्ब्रियो सेक. ये किसका पार्ट हो गया, एम्ब्रियो सेक. क्लियर? और ये जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द चलाजल.
ये बोलते हैं इसको चलाजल एंड, मतलब माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं, उसी में हमारे क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इट्स कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल, उसी टाइप के ओव्यूल को क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं, क्लियर। तो ए अब हमें पता चल रहा है, ए हमारा चलाजल तो है नहीं, दैट मीन्स इज़ अ क्या है, माइक्रोपाइल है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, माइक्रोपाइल, क्लियर। अब देखो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। अब सी और डी, यहाँ पे दो चांसेस बनते हैं, तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, तो अभी सी और डी में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसको आगे और देखते हैं। बी वाले को कह रहा है बेटा एग, यहाँ पे बी में एग है, दैट मीन्स ये आपका एग वाला पार्ट नहीं है, ये है आपका यहाँ पे न्यूसिलस का पार्ट, ठीक है। इट इज़ अ मेडअप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, उनसे बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूसिलस, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, न्यूसिलस, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसिलस है, ठीक है। इसके बाद सी वाला मैंने आपको बता ही दिया था, ये एम्ब्रियोसेक होगा, और सी वाला होगा एम्ब्रियोसेक, दैट मीन्स हमारा ये वाला पोर्शन ये करेक्ट हो गया, क्लियर। एम्ब्रियोसेक ये वाला करेक्ट हो गया, फर्स्ट यहाँ से हमारा माइक्रोपाइलिप करेक्ट हो ही गया था, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड हमारा चलाजल एंड। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चलाजल एंड वाले में हमारी क्या नहीं होगी, मतलब जो इंट्यूगमेंट है वो अराइज नहीं होगी, और माइक्रोपाइल वाले रीजन से अराइज होगी, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है एक आपकी मैचिंग दे रखी है, इसी मतलब ये जो आपका भी स्ट्रक्चर आपने देखा ओव्यूल का, उसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पर आपकी मैचिंग दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे मैचिंग देखते हैं, फर्स्ट आता है हमारा एक फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि फ्यूनिकल इट इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है, स्टॉक लाइक है। तो आप इसमें यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो आपका जो ऑप्शन मिल रहा मैच हो रहा है वो आपका फिफ्थ से मैच हो रहा है ना, ये ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हाइलम, हाइलम क्या होता है, हाइलम में होता है कि जो फ्यूनिकल से अटैच होता है या फ्यूज विद अ फ्यूनिकल। तो इसमें यहाँ पे हमारा देखो, इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। हाइलम में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, फोर्थ, दैट मीन्स रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, ये किसके साथ फ्यूज है, फ्यूनिकल के साथ फ्यूज है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट क्या है यहाँ पे, इंट्यूगमेंट में आ जाएगा कि वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब ये ठीक है, सी का हमारा थ्री चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे चलाजल, जो चलाजा वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, इट्स अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। अभी हमने देखा एनाट्रोपस में अपर पोर्शन पे क्या था, माइक्रोपाइल था, और बेसल वाले दैट मीन्स नीचे वाले रीजन पे हमारा क्या था, ओव्यूल का चलाजल पोर्शन था, ठीक है। तो ये बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूसिलस, न्यूसिलस अभी थोड़े टाइम पहले मैंने अभी रिपीट किया था, क्या होता है, मास ऑफ द पैरेन्काइमेटस, क्या होता है ये, मास होता है ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल का, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन देख लो, तो ए का तो हमारा फिफ्थ, दैट मीन्स इज अ फाइव, इसमें आ रहा है आपका बी वाला, ठीक है, ए का फाइव आ गया। उसके बाद आ रहा है आपका बी का फोर, करेक्ट है। इसके बाद सी का थर्ड आ गया, एंड डी का सेकेंड आ गया, ई का वन आ गया। तो हमने पहले मैचिंग करी, देन हमने उसको यहाँ पे इसमें टिक कर लिया, क्लियर। तो हमारा 31 का इसमें यहाँ पे हमारा कौन सा है, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना यहाँ पे, कि मैच्योर ओव्यूल्स, जो मैच्योर ओव्यूल्स होते हैं क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल्स, जो फ्यूनिकल के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, इफ़ माइक्रोपाइल कम्स टू लाइक क्लोज टू फ्यूनिकल्स, मतलब जो माइक्रोपाइल जो होते हैं वो किसके पास होते हैं, वो कम्स लाइक टू होते हैं क्लोज टू द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के पास होते हैं, दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज टर्म एज, मतलब उस टाइप के ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं, तो बेटा वो टाइप का ओव्यूल आपका क्या कहलाता है, एज अ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। वो ओव्यूल आपका क्या कहलाता है, एनाट्रोपस। बहुत सारे और ओव्यूल्स होते हैं आपके, ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स हैं, ऑर्थोट्रोपस है, हेमिट्रोफस है, और एनाट्रोफस है, और कैम्फाइलोट्रोफस है, लेकिन अभी आपको जो सिर्फ एनसीईआरटी में है वो आपका सिर्फ एनाट्रोपस है, आपको वही पढ़ना है, क्लियर। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 33, जो कि हमारा क्या है, वेन माइक्रोपाइल चलाजल एंड हाइलम लाइड अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो तीनों जो होंगे हमारे, माइक्रोपाइल भी होगा और चलाजल भी होगा और हाइलम भी होगा, कैसे होंगे, ऐसा स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। तो उस टाइप के ओव्यूल को क्या बोलते हैं, द ओव्यूल सेट टू बी, उस टाइप के ओव्यूल को क्या बोलेंगे, उस टाइप के ओव्यूल को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस, क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे अपना दो टाइप के ओव्यूल देखे, एक तो हमने एनाट्रोपस देखा, एंड सेकेंड वन हमने एक देखा ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। तो ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा, माइक्रोपाइल, चलाजल एंड हमारा हाइलम क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंटेड, इट्स कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस, क्लियर। नेक्स्ट, बाकी इसमें आपको कोई भी सारे ओव्यूल्स नहीं करने, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है। तो आपको वो सारा नहीं देखना, बस ये दो पॉइंट ही देखने अलग से। इसके बाद आप देखिए,
यहाँ पे 34 क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्लॉयडी लेवल. आपको प्लॉयडी लेवल बतानी है, जैसे कोई आप सिंगल है या कोई डिप्लॉयड है. सिंगल दैट मीन्स इज अ हैप्लॉयड, ठीक है, और जो कोई डबल दैट मीन्स इज अ डिप्लॉयड है. तो ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एंजियोस्पर्मस ओव्यूल, जो एंजियोस्पर्मस के ओव्यूल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं प्लॉयडी लेवल पे कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कि न्यूसिलस, तो एन होता है नहीं, न्यूसिलस हमारा एन नहीं होता. ये कैसा होता है, ये पैरेन्काइमेटस टाइप ऑफ मतलब मासेस ऑफ द पैरेन्काइमेटस है, या आप बोल सकते हो सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के बने हुए होते हैं, ठीक है. तो ये एन फॉर्म में नहीं होते. इसके बाद 2N मतलब MMC का मतलब है यहाँ पे हमारा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो जाएंगी, ठीक है. तो ये हमारे यहाँ पे 2N ये तो करेक्ट है. इसके बाद फंक्शनल मेगास्पोर, ये भी फंक्शनल मेगास्पोर, ये गलत है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया. इसके बाद आप थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा क्या हो गया, 2N ये करेक्ट है. उसके बाद MMC ये भी 2N करेक्ट है. एंड देन फंक्शनल मेगास्पोर हमारा क्या होता है, ये एन करेक्ट है. अब हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारा फंक्शनल मेगास्पोर क्या है. फंक्शनल मेगास्पोर आपका वो होगा, मेगास्पोर की बात हो रही है, दैट मीन्स इज अ एग, है ना, एग की बात हो रही है. और फंक्शनल की बात हो रही है मतलब जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट मीन्स इज कॉल्ड द मेगास्पोर. आपने बेटा इसमें यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारा जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती है, जब वो मेगास्पोर मदर सेल्स में फॉर्म होती है, देन 1 से 2 बनाती है, 2 से 4, जैसे इस तरीके से होती है. मैं आपको रफली ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे. जैसे सपोज ये आर्किस्पोरियल सेल है, आर्किस्पोरियल सेल में हमारा यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे हमारा म्योसिस होता है, तो म्योसिस डिविजन यहाँ पे होगा. तो इसमें दो टाइप की सेल्स बने, एक बनी पेरिटियल सेल्स, एक बनी एक स्पोरोजीनियस सेल्स, ठीक है. तो बच्चे इसने अब यहाँ पे ये हमारा कौन सा डिवीजन हुआ है, यहाँ पे हमारा हुआ ये म्योसिस फर्स्ट, क्लियर. ये म्योसिस फर्स्ट हुआ है, देन यहाँ पे अब आपका क्या होगा, म्योसिस सेकेंड. अब आपको ये तो पता है ना कि जो म्योसिस फर्स्ट होता है हमारा, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस अ सिंगल, जो मतलब जो सिंगल जो सेल्स होती है, देन दे फॉर्म अ टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है. सिंगल सेल से ही दो डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं. उसके बाद जब हमारा सेकंड मियोसिस होता है, ये जब सेकंड मियोसिस हुआ, तो बच्चे हमारे यहाँ पे कितनी बन गई, 1, 2, 3 एंड 4. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे क्या बन गई, 4 बन गई, ठीक है. अब आपको पता है इसमें आउट ऑफ 4 में से क्या होगा, देर आर द 3 डीजनरेट हो जाएंगी एंड ओनली 1 फंक्शनल. तो हमारी क्या होगी, ये जो लास्ट वाली होगी, ये हमारे यहाँ पे 4 बन गई. ये क्या बन गई हमारे यहाँ पे, 4 मेगास्पोर, ठीक है. ये बन गई हमारे यहाँ पे 4 मेगास्पोर. तो बेटा इस 4 मेगास्पोर में, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यही कहते हैं, डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि आउट ऑफ 4 में से देर आर 3 जो होती हैं, ये कैसी हो जाती हैं, ये डीजनरेट हो जाती हैं. कैसी हो जाती हैं, डीजनरेट, ठीक है. इसके बाद ओनली 1 इज फंक्शनल, दिस इज कॉल्ड द मेगास्पोर. तो तभी मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी फंक्शनल मेगास्पोर होगी वो हमारी हैप्लॉयड होगी, एंड जो MMC मतलब मेगास्पोर मदर सेल, यानी यहाँ पे ये जो हमारी है, यहाँ पे अब आगे जाके इसमें डिवीजन होगा, डिप्लॉयड्स बनाएंगी, मेगास्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट होंगी, ठीक है. तो और न्यूसिलस तो हमारा न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा रहा है, तो ये भी हमारा कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, क्लियर. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. तो डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे सिंगल बता दिया, मतलब दैट मीन्स इज अ हैप्लॉयड बता दिया, और यहाँ पे भी इसने क्या बता दिया, इसको हैप्लॉयड बता दिया, क्लियर. 34 क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं अपना 35 हमारा क्या आता है. 35 में बोल रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है नॉट करेक्ट. मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था बेटा कि आपको नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट वाले ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चा इतनी जल्दी से मतलब एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से मैं इसको क्वेश्चन को कर दूंगा, लेकिन वो नॉट करेक्ट वाले को क्वेश्चन को नहीं देख पाता कि उसमें पूछा क्या है, ठीक है. तो वहीं पर वो थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो जाती है और उससे हमारा आंसर गलत हो जाता है. तो उसको थोड़ा सा ध्यान से फोकस के साथ करना है. इसमें हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम एंथर 2 सेल स्टेज, ठीक है. जब हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था, तब हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा टेट्रा बना रहा था, दैट मीन्स जो हमारा इस तरीके से, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाया था, यहाँ पे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया था, ठीक है. मैं अभी आपको एक रफली सही ड्रॉ कर रही हूँ, कोई वो नहीं है, ठीक है. इस तरीके से ऐसा हमारा ये था,
और इस तरीके से सिर्फ आपको बस बेसिक सा सिर्फ समझाने के लिए, क्लियर? 1, 2, 3, 4. तो बेटा ये जो हमारी फोर जो हमारे स्पोर्स बने थे, इसके अंदर हमारे जो पोलन ग्रेन्स थे, तो मैंने आपको ये बताई थी कि जब पोलन ट्यूब बनती है विच कैरी द टू मेल गैमेट, ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, क्लियर? आप एक बार वहाँ पे उसमें देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो. तो यहाँ पे हमने टू मेल गैमेट्स देखे थे, तो ये तो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है. सेकेंड देखते हैं कि स्पोरोजीनियस सेल्स डायरेक्टली बिहेव एज अ मेगास्पोर मदर सेल्स, कि जो स्पोरोजीनियस होती है वो डायरेक्टली बिहेव करती है मेगास्पोर मदर सेल्स में, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया. दैट एंड मेगास्पोर डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएट एंड एम्ब्रियो सेक. मतलब वो कह रहा है कि जो मेगास्पोर है वो ट्वाइस टाइम मतलब अपना उसमें डिवाइड होते हैं और 8 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन करते हैं. नो, इट्स नॉट करेक्ट. ये हमारा ऑप्शन आएगा, ये वाला आएगा हमारा, ठीक है. इसमें ट्वाइस टाइम डिवाइड नहीं होते जो कि 8 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रियो सेक में. और उसमें हमारा क्या होता है, एग एंड सिनर्जीज ऑलवेज लाई नियर द माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल. ये तो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है. जब हम अभी एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि एग और सिनर्जीड्स हमारे पास में ही होते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोपाइल वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं. तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा, 35 इज करेक्ट, क्लियर. अब 36 क्वेश्चन देखते हैं हम. हमारा क्या है, द फिलीफॉर्म इज एपरेटस इज प्रेजेंट इन. अब जो फिलीफॉर्म हमारा एपरेटस होता है वो हमारा किस में प्रेजेंट होता है, इसमें हम पहले एक अपना जो हमारा एक एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, उसका हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये हमारा जब मेगास्पोरोजेनेसिस होती है तब ये अपना फॉर्म होता है, क्लियर. तो इसमें हमारा इस टाइप से आता है, एक तो आपका डायरेक्टली नेम से आता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई. ये जो हमारी एम्ब्रियो सेक होती है ये क्या करती है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई को फॉर्म करती है, क्लियर. अब ये 7 सेल हमारी 8 न्यूक्लियाई कैसी होती है, देखो ये हमारा 1 सेल हो गया, ये 2 हो गया एंड देन ये 3, क्लियर. इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे ये 4 इस तरीके से, एंड ये हमारा एक 5, ये 6 एंड ये 7. तो बेटा यहाँ पे ये हमारा हो गया 7 सेल. अब इसको 8 न्यूक्लियाई क्यों बोला, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, मतलब ये जो हमारी जो सेंटर में होती है ना, इसमें हमारी सिंगल एक 1 सेंट्रल सेल बोल सकते हो आप, और यहाँ पे आप बोलोगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है. इसके बाद एक यहाँ पे इस तरीके से ये होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको अगर मैं एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊँ वही उसी टाइप का, ये हमारा किस टाइप का ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल. मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे हमारा क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है, ठीक है. इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड इसका इसके जो हमारा अबव होता है दिस इज कॉल्ड द चलाजल. अभी हमने जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा था वो डायग्राम थोड़ा सा उल्टा था, बट हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं. सिर्फ हमें इसमें किस बात का ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइल पे हमें इंटीग्यूमेंट अराइज दिखानी है, कि वहीं से हमें दिखाना है कि इंटीग्यूमेंट हमारी क्या होंगी, अराइजेस होंगी, क्लियर. इंटीग्यूमेंट अराइजेस फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड इज अब्सेंट, ठीक है. वहाँ पे जो चलाजल एंड में होंगे हमारी इंटीग्यूमेंट क्या होंगी, अब्सेंट होंगी. और बेटा यहाँ पे ये जो हमने अभी नाम दिया था इसको एम्ब्रियो सेक, तो ये जो एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है वो ये वाला है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बनाया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का, क्लियर. तो अभी अभी देखो कि यहाँ पे हमारी ये माइक्रोपाइल हो गई, ये चलाजल हो गई. दैट मीन्स जहाँ पे आपका चलाजल होगा ना वही मैं आपका मतलब वहीं पर आपकी क्या बनती है, एंटीपोडल सेल बनती है. तो ये वाली क्या हो गई आपकी, एंटीपोडल सेल, क्या हो गई ये, एंटीपोडल सेल, क्लियर. इसके बाद यहाँ पे ये वाला इस तरीके से आपका होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा सा बना लो. ये तीनों जो आपके पोर्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड एग एपरेटस. इसको क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं, क्लियर. एंड जो सेंटर में होता है आपका दिस इज कॉल्ड एग, ये आपका एग होता है. एंड यहाँ पे मतलब एज एनाट्रोपस ओव्यूल में, क्लियर. इसके बाद यहाँ पे ये जो कॉर्नर में है दिस इज कॉल्ड द सिनर्जीड सेल्स. ये हमारी क्या होती हैं, सिनर्जीड सेल. अगर आपको डायग्राम आता है तो डायग्राम के बिहाफ पर आप उसकी लेबलिंग वो ईजिली से कर लोगे, ठीक है. देखो यहाँ पे सिनर्जीड्स, तो डायग्राम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ये अब एग हो गया, एक्सेल आप इसे एक्सेल बोल लो, एक्सेल जो सेंटर में प्रेजेंट है और सिनर्जीड सेल्स, ठीक है. तो यहाँ पे ये मिलके क्या बन गया, एग एपरेटस बन गया. इसके बाद ये जो सेंटर में बना है दिस इज कॉल्ड द 1 सेंट्रल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई. ये अभी हमें आगे भी हमारे क्वेश्चन में आएगा, 1 सेंट्रल सेल एंड यहाँ पे हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर. अब देखिए
यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि फिलीफॉर्म एपरेटस इज प्रेजेंट. अब फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये जो हमारी जो सिनर्जीज होती है ना, इस सिनर्जीज के पास इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द फिलीफॉर्म एपरेटस. इन्हीं को क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म बोलते हैं. यहाँ पे इस वाले पोर्शंस में हमारी क्या होती हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होती हैं, विच इज गाइडेड टू द पोलन ग्रेन्स वेयर इट इज एंट्री फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द विच साइड्स ऑफ द ओव्यूल. मतलब ओव्यूल के किस साइड से ये एंट्री करे, ये कौन बताता है. अभी आप यहाँ पे ये भी पढ़ोगे कि जो हमारी एंटीबॉडल सेल्स होती हैं या फिर जो हमारी सिनर्जिड सेल्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है. इनका मेन फंक्शन हमारा न्यूट्रिशन देने का होता है, साथ साथ इसका एक अलग से फंक्शन है हमारा सिनर्जिड्स का, कि गाइडेड करेंगी पोलन ग्रेन्स को कि पोलन ग्रेन कहाँ से एंट्री करे. अभी आपने पढ़ा था कि ये सपोज एक स्फेरिकल शेप में, एज अ सर्कुलर शेप में क्या हो गया हमारा ओवरी, और इन मतलब ओवरी के अंदर हमारा क्या हो गया ओव्यूल, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर. तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से देखा, जिसमें अब बेटा इसमें जो एंट्री होगी ना, या तो वो हमारे चलाजल वाले रीजन से एंट्री हो जाएगी, या फिर वो इस माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंट्री हो जाएगी, या फिर हमारे इस इंट्यूगमेंट से. तो आप इसमें पे 3 पैसेज देख रहे हो जहां से एंट्री होगी, तो वो एंट्री कौन कराएगा, वो गाइड करेगा फिलीफॉर्म एपरेटस जो सिनर्जिड्स के पास होते हैं. तो इसका आंसर ये. अब ये आपको, आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते हो, अगर आपको ये पूरी इसके बाद में पूरी नॉलेज है या आपने अपना पूरा टॉपिक पढ़ा है अच्छे से, तभी आप इसका आंसर कर सकते हो कि फिलीफॉर्म का काम क्या होता है या फिलीफॉर्म काम क्या है, साथ साथ वो कहाँ पे प्रेजेंट है. क्लियर. अब यहाँ से जब हम देखते हैं तो नीट पे हमारे यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि अगर चलाजल एंड से एंट्री होती है तो उस एंट्री का नाम क्या होता है. यहाँ से अगर सपोज मिडिल वाले पोर्शन से जहाँ पे हमारी इंट्यूगमेंट है तो उस वाले में उसका नाम क्या होता है, ठीक है, और जो माइक्रोपाइल से एंट्री करता है वो क्या होता है. तो वो ये सब हमने अपना जब एज अ पूरा कॉन्सेप्ट एज अ पूरा डिटेल में पढ़ा था उसमें हमने अपना डिस्कस किया हुआ है. क्लियर. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब सेम आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एम्ब्रियो सैक का, जो कि अभी हमने समझा वही है, आपको सिर्फ लेबलिंग करनी है, ठीक है, जो कि आपका क्या बता रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल ए बी सी डी. मैं भी आपको बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ आपको डायग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. आपको जो जैसे सपोज 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपको 2-3 आपको डायग्राम आराम से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको लेबलिंग करनी होगी उसकी. क्लियर. एंड इन द गिवन फिगर एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन करना है. तो अब आप मुझे बताओ जो ए वाला जो ऑप्शन होगा वो किसके लिए करेक्ट होगा. फर्स्ट आ रहा है सिनर्जिड्स, अभी हमने पढ़ा जो सिनर्जिड्स होंगी वो हमारी कहाँ पर होती हैं, माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल वाले रीजन पे हमने देखा इंट्यूगमेंट अराइज होंगी, वहीं पे हमारी क्या होती है एग होता है. तो बेटा ये तो हमारा करेक्ट नहीं है, तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया, मतलब गलत हो गया, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा. इसके बाद देखते हैं हमारा एंटीबॉडल सेल, ये हो सकता है और एंटीबॉडल सेल्स ये भी हो सकता है. इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर की तरफ जो हमारा ए वाला पोर्शन है वो तो पोलर न्यूक्लियाई पढ़ा नहीं है हमने, कहाँ पे पढ़ा है, सेंटर में पढ़ा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में. तो बी या सी में से कोई करेक्ट होगा. इसमें अब देखते हैं बी वाला पोर्शन, बी में क्या है हमारा सिनर्जिड्स और सी में भी हमारा सिनर्जिड्स है. तो बी हमारे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, जो हमारे सेंटर में तो होगा एग सेल और जो हमारे कॉर्नर में थी वो हमारी क्या थी, सिनर्जिड्स थी, दैट मीन्स ये वाली, ठीक है, ये जो बी वाली है ये क्या हो गई हमारी सिनर्जिड सेल्स. क्लियर. तो ये भी दोनों अभी ठीक है. इसके बाद आप थर्ड में देखो, आप थर्ड में आइडेंटिफाई कर लोगे एग, मतलब सी वाला पोर्शन हमारा एग है, ठीक है, ये एग सेल हो गया. सी वाला पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारा एग सेल, ये तो करेक्ट है. इसके बाद फिलीफॉर्म, ये कह रहा है यहाँ पे फिलीफॉर्म है सी, सी फिलीफॉर्म नहीं है. क्यों, अभी हमने पढ़ा था सिनर्जिड्स के पास क्या होंगी, फिलीफॉर्म होंगी जो कि गाइड करती हैं पोलन ग्रेन को. तो सी मतलब हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आके इनकरेक्ट हो गया और बी वाला करेक्ट हो गया. इसके बाद आप डी देखिए, डी पे यहाँ पे आपको लेबलिंग ये दिख रहा है जिसमें यहाँ पे क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई है, किसकी ऐसा, ये फिलीफॉर्म एपरेटस बना हुआ है या फिलीफॉर्म प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है. तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा बी करेक्ट है. क्लियर. नेक्स्ट 38 देखते हैं. 38 में हमारा क्या है, इसमें आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं इस चीज़ को देख के, कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सेक. जब एम्ब्रियो सेक जब हमारी मैच्योर हो जाती है तो उसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शंस बताना है, ठीक है. तो एग एपरेटस इज सिचुएटेड टुवार्ड्स द चलाजल एंड, जो एग होगा वो चलाजल पर होगा, नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि एग हमारा कहाँ था, माइक्रोपाइल पे था, दैट मीन्स ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया. सेकंड पर आइए, सेकंड क्या कहते हैं कि एंटीबॉडल सेल्स आर सिचुएटेड टुवार्ड्स द माइक्रोपाइल. क्या माइक्रोपाइल पे हमारी एंटीबॉडल सेल्स थी, नहीं, कौन सी सेल थी हमारी वहाँ पे, सिनर्जिड्स. तो अच्छा ये सेकंड इसमें आएगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये सेकंड ऑप्शन है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है. इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल 8 न्यूक्लियाई. यस, इट्स अ करेक्ट. मैंने अभी आपको बताया, और कैसे भी काउंट करा था, मैंने अभी आपको बताया था कि 7 सेल मैंने किसे काउंट करा था, 3 एंटीबॉडल्स
उसके बाद थ्री हमारे क्या थे उसमें एग एपरेटस, एक एग सेल थी और दो हमारे सिनर्जिड सेल थे, और बेटा वन सेंट्रल सेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई बोला, तभी वन सेवन सेल तो सेवन सेल हो गए। और जब एट आप उसको एक सेल को जैसे सपोज आपकी इस तरीके से एक सेल थी तो आप इसको तो एक सेल काउंट कर रहे हो, लेकिन इस एक सेल के अंदर कितने पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू, तो वहाँ पर वो एट न्यूक्लियट हो गए। ठीक है, तो इसमें हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे नंबर बी आएगा ये, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आ गया थर्ड ओनली, मतलब यहाँ पे आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद 39 देखिए, 39 में क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी मैंने आपको जो पिछले अभी लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें बताया था फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शंस क्या होता है। एपरेटस इन द एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक का फंक्शंस क्या है, ब्रिंग अबाउट द ओपनिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स, क्या पोलन ग्रेन्स की ओपनिंग करता है, नो। सेकेंड, गाइड द पोलन ग्रेन्स ट्यूब इन टू द सिनर्जिड्स, ये क्लियर है कि उसको गाइड करेगा पोलन ट्यूब को वो कहाँ से एंट्री करे, ठीक है, जो सिनर्जिड्स के पास होती है। इसके बाद प्रिवेंट एंट्री ऑफ द मोर देन वन पोलन इन टू द सिनर्जिड्स, प्रिवेंट नहीं करता बेटा, उसको क्या करता है, उसको गाइड करता है, उसको एक पैसेज की तरह बताता है कि वो कहाँ से उसमें एंट्री करे। क्लियर, और नन ऑफ दिस तो इसमें होगा। तो अभी हमने इसमें यहाँ पे देख लिया कि जो कि हमारा सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है, ठीक है, बाकी के हमारे जो तीनों ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन में हमारे क्या आता है कि द फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट, डाइकॉट और मोनोकॉट आपने पढ़ा हुआ है, इसमें यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, जो टिपिकल डाइकॉट है एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, एट सेल बनेंगी, सेवन सेल बनेंगी, सिक्स सेल बनेंगी या फाइव सेल। एंजियोस्पर्मिक में सिर्फ हमारा क्या बन रही थी बेटा, सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियाई, दैट मीन्स इज अ बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्या बन रहा था, सेवन सेल एट न्यूक्लियाई, ये सिर्फ आपको क्या याद रखना है, अपना जो आपने अभी एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखा था ना वो वाला आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। 41 में हमारा क्या है कि पॉलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सेक, अभी जो मैंने आपको इस तरीके से एम्ब्रियो सेक का ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था जिसमें आपका यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे बीच में सेंटर में मैंने आपको एक वन सेंट्रल सेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई बनाया था, और यहाँ पे इस तरीके से हमारी एक क्या था, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनाया था जो कि हमारा बच्चे साइड में सिनर्जिड्स एंड सेंटर में हमारा एग था। इस सारे को हमने क्या बोला था, एग एपरेटस। ठीक है, तो बेटा ये हमने कैसे काउंट किया था, वन टू थ्री फोर, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव सिक्स सेवन एट, दैट मीन्स एट न्यूक्लियाई हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया था थ्री ये सेल हो गई और थ्री ये वाली सेल हो गई, और इस सेल को आप क्या काउंट करोगे, थ्री और थ्री सिक्स और एक वन हो गई, दैट मीन्स इज अ सेवन। तो मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है कि एट न्यूक्लियेट सेवन सेल, फर्स्ट ही करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट है, एट न्यूक्लियेट एट सेल नहीं, क्योंकि इसको बेटा हमने क्या काउंट किया है, इसको काउंट किया है वन सेंट्रल सेल में। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे एट सेल नहीं बोल सकते, बाकी सेवन न्यूक्लियेट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे आपके एट न्यूक्लियेट है, एक दो न्यूक्लियाई हैं, एक न्यूक्लियाई यहाँ पर है और एक न्यूक्लियाई यहाँ पर है। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और फोर न्यूक्लियेट थ्री सेल भी नहीं होंगे, तो जो पॉलीगोनम टाइप का होगा, ये पॉलीगोनम टाइप का में कितना आया, सेवन सेल एट न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा फिर से एक पिक्चर आ गई है, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा भी है, क्या कौन सी पिक्चर है, पॉलिनेशन की पिक्चर है। अब पॉलिनेशन हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो मतलब ये जो डायग्राम एनसीईआरटी का ही है, ये आपका फर्स्ट जो बच्चे बना रखा है दैट इज कॉल्ड कैस्मोगैमस, और यहाँ पे जो अंदर की साइड है दैट इज कॉल्ड क्लेस्टियोगैमस। जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने डिफरेंस भी देखा होगा क्लेस्टियोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर में। तो क्लेस्टियोगैमस में देखा होगा कि इसके जो सेक्सुअल जो पार्ट होते हैं ऑफ द फ्लावर के, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन्स नहीं होते। ठीक है, जब बेटा ये ओपन नहीं होंगे, मतलब इसमें हमें हमारे क्या हैं, मेल और फीमेल फ्लावर है, मतलब पार्ट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल दोनों हैं। इसमें भी हमारे क्या है, मेल और फीमेल दोनों ही हैं, बट इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओपन हो जाते हैं। जब ओपन हो जाते हैं तब आप उसमें वहाँ पे क्या पढ़ोगे कि वो क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होने के वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। सेल्फ तो होगा होगा, बट साथ में क्रॉस भी हो सकता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट ओपन है। अगर सपोज कोई भी अदर मेल गैमेट्स इस फीमेल फ्लावर पे आके स्टिक कर गया तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है होने की, है ना। तो ये हमारा क्या आएगा, मेल फीमेल। तो ये मैंने सिर्फ अभी आपको डिफरेंस बताया ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डायग्राम के। ठीक है, तो इस डायग्राम को जो यहाँ पे एग्जांपल आएगा, हेलियंथस, कॉमेनिलिना,
रोजा या गाइसोपियम। तो बच्चे इसका इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, कॉमन एलिना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे 43 में क्या आता है कि इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट अब्सेंस होता है तो सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, जो सीड की जो सेटिंग होती है किस में एश्योर्ड की जाती है, कॉमन एलिना में की जाती है, जोस्ट्रा में की जाती है, सेल्विया में की जाती है या फिर फिग में की जाती है। तो बेटा इसका आंसर इज करेक्ट है हमारा कॉमन एलिना, ठीक है। मैंने ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जब हम पॉलिनेशन के क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल करेंगे, है ना। तो वैसे तो सबको पता होता है कि मतलब ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जेटिनोगैमी, एक बार थोड़ा सा वो भी देख लेंगे, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आई गया वही वाला क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो 44 में क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें हमारा, कि ए तो क्या कहता है हमारा कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी, क्लियर है। ऑटो क्या होता है, ऑटो सेल्फ होता है, जब कोई भी मेल गैमेट, दैट मीन्स इज अ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो जाते हैं किस पे, स्टिग्मा पे, मतलब स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाते हैं, वो उसे फिर रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। लेकिन जब सेम फ्लावर पे जाते हैं बेटा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, क्लियर। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, जैसे सपोज इस तरीके से, मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाती हूँ रफली, देखो ठीक है, और एक मैंने यहां पे आपको बना के दिखा दिया, ठीक। अब आप देख रहे हो, अब सपोज आप मान लो कि यहां पे हमारा मेल भी होता है और इसमें हमारे यहां पे फीमेल भी होता है, ठीक है बेटा। तो जब मेल और फीमेल होगा दैट मीन्स अपना जो मेल जो होगा वो ट्रांसफर कर देगा एज अ फीमेल पे, तो वो तो हमारा ऑटोगैमी हो गया, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। बस इसने क्या बोला, इसने यहाँ पे बोला कि फ्रॉम, मतलब जो ट्रांसफर हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर से वन फ्लावर टू द स्टिग्मा के अनदर फ्लावर में ऑफ द सेम प्लांट। बेटा प्लांट हमारा कैसा है, प्लांट हमारा सेम है, बस फ्लावर अलग है। अब इसका ये जो मेल गैमेट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, फीमेल गैमेट, ये अपना एंथर इस फीमेल को दे देगा, जब इस फीमेल को दे देगा दैट इज कॉल्ड जेटिनोगैमी, इसको क्या बोलते हैं, जेटिनोगैमी, ठीक है। ये जेटिनोगैमी हो गया, जब इसने अपना इसको दिया था अपना एंथर, तो ये होता है हमारा ऑटोगैमी, क्लियर। अब एक यहाँ पे मैं अनदर, अब मैंने ये क्या बना दिया, डिफरेंट प्लांट बना दिया, ठीक है, ये फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है, इस तरीके से। तो अब आप इसमें क्या देखोगे कि यहाँ पे सपोज अगर ये भी हमारा मेल है, तो वो बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें कुछ मतलब जेनेटिकली हो सकती हैं, या मतलब आप उसमें हेट्रोस्टाइली बोल सकते हो या फिर डाइकोगैमी बोल सकते हो, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं जो कि मेल और फीमेल एक में एग्जिस्ट करने के बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, वो क्रॉस पॉलिनेशन उसमें कॉज होता है, ठीक है। तो बेटा अब क्या पढ़ेंगे, इसमें यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट टू द सेम स्पीशीज, मतलब जेनेटिकली कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, और मतलब जो स्पीशीज लेकिन सेम होगी, मैंने यहाँ पे आपको सेम टाइप का फ्लावर ही बनाया है, ठीक है। तो अब इसका जो मेल जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले फीमेल पे, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीनोगैमी। आपको तीनों टर्म बहुत ध्यान से करना है कि कब सेम प्लांट होगा, कब अनदर फ्लावर होगा लेकिन सेम प्लांट, और कब किस कंडीशन में हमारा फ्लावर भी चेंज हो जाएगा साथ साथ प्लांट भी चेंज हो जाएगा, तो उसके टर्म को क्या बोलेंगे, क्लियर। तो हमारा ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, मतलब चारों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी वही वाली पिक्चर आगे जो भी बता रही थी, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि द गिवन डायग्राम शोज टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशंस P1, P2 एंड P3। आपको P1, P2, P3 पे आपको बताना है कि कौन कौन सा होगा। जैसे सपोज एक ये बना हुआ है, ये P2 वाला है, ये एक अनदर फ्लावर है, एक ये अनदर फ्लावर है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेल, सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे मेल लिख देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं फीमेल लिख देती हूँ, क्लियर। तो अगर अपना ये मेल एंथर ट्रांसफर करता है, मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफर करता है इस फीमेल वाले प्लांट पे, तो ये जो P1 है, ये P1 हमारा क्या कहलाता है, ये P1 अभी हमने पढ़ा ऑटोगैमी, तो ए तो होगा नहीं, ए तो गलत हो गया हमारा, और डी भी हमारा जेटिनोगैमी गलत हो गया, दैट मीन्स बी और सी में से हमारे ऑप्शंस बनते हैं। इसके बाद आप पढ़िए कि अब बेटा अब आप देख रहे हो प्लांट तो सेम है बट फ्लावर कैसा है, डिफरेंट है ना। तो जब यहाँ पे डिफरेंट है तो उसमें आगे हमारा
ये वाला हो गया, इससे यहाँ पे आ गया, तो इसको अभी हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने यहाँ पे जेटिनोगैमी, ये क्या पढ़ा था जेटिनोगैमी, क्लियर। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, मतलब सी वाला, ऑटोगैमी, जेटिनोगैमी, और इसमें हम P3 में देखेंगे जीनोगैमी। जीनोगैमी भी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें बच्चे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्लांट भी हमारा चेंज हो गया, ये एक अदर प्लांट है और ये दूसरा एक अदर प्लांट है, यहाँ पे तो ये जो P3 हो गया, ये हो गया हमारा जीनोगैमी, क्लियर। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। 46 क्वेश्चन देखते हैं, 46 में क्या आता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स दैट मीन्स इज अ डाइशियस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था ये जब हमने अपना लेक्चर वाली क्लास ली थी कि एक यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, और एक बेटा बाईसेक्सुअल होता है। तो बाईसेक्सुअल्स का मतलब आपको पता है कि मतलब वैन अ मेल एंड द फीमेल फ्लावर एग्जिस्ट टू द सिंगल प्लांट्स, ठीक है, सिंगल फ्लावर में एग्जिस्ट होते हैं, जबकि जो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनि होते, दैट मीन्स मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल अलग होता है, क्लियर। तो अब मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताई थी DU करके, DU मतलब ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लोग याद कर रख लेना, ठीक है। और एक बताई थी मैंने यहाँ पे आपको BM या फिर आप यहाँ पे उसको MB करके याद कर लेना, ठीक है। तो ये जो DU थी हमारी, DU मतलब डाइशियस, ये सिर्फ हम प्लांट्स में ही बोलते हैं, ठीक है, डाइशियस, और यू मतलब यूनिसेक्सुअल। तो अब किस में होती है, तो पपाया हो गया इसमें हमारा, बॉटल ग्राउट हो गया, बॉटल ग्राउट में जो हमारी कुकरबिटेसी फैमिली होती है, इसमें हमारी घिया, लौकी, कद्दू, तोरी, ये सब आती है, वो सब आता है, ठीक है। और मेज तो आपने पढ़ा है मोनोकॉट्स में होगा, तो ये तो हमारे नहीं होंगे, मतलब मोनोइशियस में हो जाएगा। इसके बाद अब आप देखोगे कि बॉटल ग्राउट ये भी हमारे क्या होते हैं, एक में ही होते हैं, लेकिन पपाया क्या होता है, अलग अलग होते हैं। मेल पपाया मतलब एक अलग होता है मेल प्लांट, और फीमेल प्लांट्स आपका अलग होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 47, 47 में क्या बताता है आपको, इसमें मैचिंग करनी है, तो आपको इसमें मिसमैच बताना है, मतलब मैचिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, मिसमैच, कौन सा मैच करेक्ट है वो तो देख लेंगे, बट मिसमैच है उस पर करेक्ट करेंगे। स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये हमने पोलन ग्रेन्स के कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि जब हम किसी भी पोलन ग्रेन्स को जब स्टोर करते हैं तो उसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए, यहाँ पे मतलब माइनस के 196 दे रखा है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि नाइट्रोजन क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होती है, लिक्विड नाइट्रोजन माइनस के 196 डिग्री टेम्परेचर पे हम किसी भी पोलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, ऐसा स्टोर कर सकते हैं। क्यों स्टोर करेंगे, क्योंकि ताकि हम कोई भी अभी स्पीशीज है उसमें हम उसको क्या करा सकें, ऐसा हाइब्रिड करा सकें, क्लियर। नेक्स्ट ये भी पोलन के कैरेक्टर्स हैं, जो कि हमारा पोलन एलर्जी कॉज्ड है, जब पोलन एलर्जी कॉज्ड होता है तो किसके थ्रू होता है, कैरेट ग्रास के थ्रू, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कैसमस जो फ्लावर्स होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि इसके जो मेल और जो फीमेल फ्लावर मतलब पार्ट्स होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो कैसे होंगे, एक्सपोज्ड होंगे। एक्सपोज्ड मतलब जब कैस्मो है तो वो ओपन होंगे, है ना, और क्लेस्ट्रियोगैमस में कैसे थे, क्लोज थे। तो बेटा ये वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सी वाला, ठीक है। एंड लास्ट आता है हमारा जीनोगैमी, जीनोगैमी तो हमारा डिफरेंट प्लांट था, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन होगा, इस क्रॉस पॉलिनेशन, दैट मीन्स इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आपका फोर्थ करेक्ट होगा, जो कि आपका आएगा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को लेकर, क्लियर। तो अभी हम अपना 48 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, फिदरी स्टिग्मा अकर्स इन, जो मतलब जो स्टिग्मा जो होता है वो फेदर्स के फॉर्म में होता है, वो किस में होता है हमारा, एज अ वीट में, ठीक है, ये हमारा वीट में होगा, पी में नहीं होता, धतूरा में भी नहीं होता, और ये सीजल पिनिया में भी नहीं होगा, ये हमारा किस में होगा, एज अ वीट में। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ठीक है, ये वीट इज करेक्ट। इसके बाद अभी हमने अपना 48 क्वेश्चन यहां पे फिनिश करें, और बाकी और भी जो भी हमारे पॉलिनेशंस, अब आगे जब पॉलिनेशन हो जाएगा दैट मींस इसका क्या होगा, वो अब आपका फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और उसमें फर्टिलाइजेशन जो होगा बेटा वो हमारा कैसा होगा, डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे इसमें, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अपना जो हमारा सिनगैमी हुआ था या फिर वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।